अभी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए नई मुसीबत लेकर आई जो अपने काम धंधे पर जाने के लिए सुबह होते ही घर से निकल पड़े। राजधानी में कई रास्ते बंद होने से कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम लग गया, जिसने लोगों को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि वो लोग बीच रास्ते में काफी वक्त तक फंसे रहे और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में देरी हुई। इसकी एक तस्वीर गाजीपुर से आनंद विहार की तरफ जाने वाले रास्ते से भी सामने आई। वहां से गुजर रहे लोगों की परेशानी का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने कुछ मिनटों का सफर कई घंटों में तय किया। वहां गाड़ियां रेंगती नजर आईं। दूर दूर तक हालात में 19-20 का भी अंतर नहीं दिखा। टू व्हीलर पर सवार लोग भी आगे बढ़ने के लिए जगह बनाने में नाकाम रहे। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एम्बुलेंस भी इस भीषण जैम में फंसी दिखाई दी। ट्रैफिक में फंसे लोग इतने बेबस हो गए कि उनके पास क्लच दबाते रहने और हॉर्न बजाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी लंबे जाम से लोगों को जूझना पड़ा। गाड़ियां धीमी रफ्तार में ही आगे बढ़ी। यातायात का दबाव ज्यादा है, दिल्ली में कई रास्ते बंद भी हैं। सुबह सुबह वक्त पर दफ्तर पहुंचने की जल्दी और रास्ते में भीषण जाम के हालात ने लोगों को छका कर रख दिया, क्योंकि राजधानी से नोएडा की तरफ जा रहे कई लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश को झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर यूपी की झांकी अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर पर आधारित थी, साथ ही इसमें प्रदेश की कला और संस्कृति को भी दिखाया गया था। नीरज हमारे सहयोगी पुणे पर मौजूद है। नीरज, उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है, क्या खास था? देखिए, खास ये था कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया था और पूरी झांकी में सबसे आगे तो महर्षि वाल्मीकि की एक बड़ी प्रतिमा थी, उसके पीछे में राम मंदिर का ढांचा, जिस तरह का राम मंदिर बनेगा उसका ढांचा दिखाया गया था। और इसके अलावा दीपोत्सव जो कि अयोध्या में मनाया जाता है, उसकी पूरी तस्वीर जो है उस झांकी के माध्यम से दिखाई गई थी और बहुत कुछ जो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, उन तमाम चीजों को दिखाया गया था। तो सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान जाएगा और आधिकारिक घोषणा अभी इसकी आज की जाएगी अब से थोड़ी देर के बाद, और त्रिपुरा और उत्तराखंड की झांकी को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है।